हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यंगर ए। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है पीओ पोस्ट के 2023 पीजीडीबीएफ प्रोग्राम। तो इसमें काफी सारे डाउट्स आ रहे थे, आज की वीडियो में आपको उसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा क्या क्या डाउट्स है। एग्जाम डेट के बारे में आपको बताने वाला हूं। कुछ लोग पूछ रहे थे परसेंटेज इसमें रिक्वायर्ड है क्या नहीं, 60% इस तरीके से, पोस्टिंग कहाँ पे होगी, इंग्लिश जो है क्वालिफाइंग नेचर में है तो कैसे क्या है, पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से ज्वाइन करिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग नोटिफिकेशन की तरफ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 फरवरी से अप्लाई कर सकते हैं, 25 फरवरी 2023 इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट है। अब ये जो दो पोस्ट है आप देख सकते हैं, काफी लोग ये पूछ रहे थे कि दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या। देखिए, आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, ओनली सिंगल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है द कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर वन पोस्ट। ठीक है, तो या तो आप आईटी के लिए अप्लाई करो या तो आप क्रेडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई करो। ठीक है, दोनों में से कोई एक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, काफी लोग पूछ रहे थे कि पोस्टिंग कहाँ पे होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट रेडी टू वर्क एनीवेयर इन इंडिया शुड अप्लाई। ठीक है, मतलब आपका ऑल ओवर इंडिया में पोस्टिंग होगा। काफी लोग ये परसेंटेज के बारे में पूछ रहे थे कि क्या ये परसेंटेज का लोचा है, 60% मांग रहा है या नहीं। देखो, आपका सिंपल ग्रेजुएशन होना, ठीक है, यहाँ पे कोई परसेंटेज की जरूरत नहीं है। अगर आपका सिंपल ग्रेजुएशन है अप्लाई कर सकते हैं, कोई परसेंटेज की जरूरत नहीं है। बट काफी लोग जो है फॉर्म भरने में गलतियां करते हैं, वो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर आपके 59.99 है, इसका मतलब ये जो लास्ट के दो डिजिट है इसको वो लोग ट्रीट नहीं करेंगे, उसको लेस देन 60% ही माना जाएगा। ठीक है, तो आपको राउंड ऑफ करके अपने परसेंटेज मार्क्स फॉर्म में फिलअप नहीं करना है, जितना वहां पे दिया है उतना ही फिलअप करना है, जितना आपका परसेंटेज रियल में है उतना ही करना है, राउंड ऑफ नहीं करना है। ठीक है, मतलब 54.99 को 55 नहीं लिखना है डायरेक्ट वहां पे। ओके, तो ये यहाँ पे जो है करेक्शन किया गया है। काफी लोग जो है परसेंटेज के बारे में पूछ रहे थे कि परसेंटेज मांगा है या नहीं, तो यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं मांगा गया है। ठीक है, बाकी जिनका भी फाइनल रिजल्ट 1 फरवरी 2023 तक आ चुका है डिग्री आने को है, तब भी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो जो पहला वीडियो है उसमें मैंने ये कवर नहीं किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज 35 क्वेश्चन जो है 40 मार्क्स के लिए, और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश वाला, ये दोनों ही काउंट नहीं होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर विल बी क्वालिफाइंग नेचर, मतलब मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर विल नॉट बी एडेड व्हाइल प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट। इंग्लिश के और डिस्क्रिप्टिव के कोई भी मार्क्स एड नहीं होंगे, सिंपल सा आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना है बस। इसमें आपका सेक्शनल कट ऑफ रहेगा, वो सेक्शनल कट ऑफ आपको निकालना है बस, आप यहाँ पे क्वालिफाई कर लोगे। इंग्लिश के और डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स एड नहीं होंगे, मतलब 40 और 25 मार्क्स एड नहीं होंगे। आपका जो टोटल मेरिट बनेगा वो 160 नंबर पे बनेगा, ये 60 और ये 40 और ये 60, 160 नंबर पे आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए काफी बढ़िया है जिनका इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, और उन लोगों के लिए बैड न्यूज है जिनकी इंग्लिश काफी अच्छी है। ठीक है, तो वो इंग्लिश के बल पे ही पास होते थे, बट अभी तो ऐसा है नहीं, बहुत अच्छा कर दिया है। इन तीनों सेक्शन में जो माहिर होगा वही यहाँ पे क्वालिफाई कर पाएगा। ठीक है, बाकी लेवल की अगर मैं बात करूँ तो आईडीबीआई पीजीडीबीएफ का जो लेवल था पीओ का, ठीक है, आईडीबीआई पीजीडीबीएफ पीओ का लेवल, उसी लेवल का पेपर रहेगा ये। ठीक है, आईडीबीआई पीजीडीबीएफ पीओ का जो पेपर था असिस्टेंट मैनेजर का, सेम वही लेवल का पेपर होने वाला है। बहुत ही कम नहीं होगा और बहुत हाई नहीं होगा, ठीक है, मीडियम लेवल का पेपर रहेगा, मॉडरेट लेवल का। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्रोग्राम है आपका फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2023 से स्टार्ट होने वाला है। इसका मतलब क्या है, देखो, अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है 25 फरवरी है, मतलब फरवरी का मंथ तो गया, और प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, मतलब फरवरी तो खत्म हो गया। ठीक है, 25 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं, मार्च पूरा का पूरा महीना बचा हुआ है। ठीक है, मार्च पूरा का पूरा महीना बचा हुआ है, इसका मतलब मार्च में आपका एग्जाम भी होगा और इंटरव्यू भी होगा, जीडी भी हो जाएगा और उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। मतलब एक महीने में आपका एग्जाम, इंटरव्यू, रिजल्ट सब कुछ आ जाएगा, और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2023 से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा फास्ट इसका प्रोसेस होने वाला है, हद से ज्यादा फास्ट है। ठीक है, इतना फास्ट तो आपने देखा नहीं होगा, एग्जाम का रिजल्ट, इंटरव्यू, सब कुछ रिजल्ट एक महीने के अंदर अंदर ये सब कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ये डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि सारा रिजल्ट आने के बाद ही आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, उसके पहले नहीं होगा। ओके, तो टेंटेटिवली है, मतलब मान के चलो कि यही डेट पे होने वाला है, एक महीना आपको मिलने वाला है, इसलिए इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ही कम होगा। काफी लोग जो है नए नए अभी प्रिपरेशन किए हुए, एक महीने के अंदर अंदर क्या ही प्रिपरेशन कर लेंगे, वो जिनका रनिंग चल रहा है वही लोग इसका एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली इसका फॉर्म भरना। तो एग्जाम डेट मार्च के महीने में होगा, मुझे तो लग रहा है कि फर्स्ट वीक में ही आपका एग्जामिनेशन होगा, और सेकंड थर्ड वीक तक आपका इंटरव्यू हो जाएगा, और फोर्थ वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, एंड देन अप्रैल फर्स्ट वीक से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। तो काफी
फास्ट प्रोसेस है, डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई करना। अब काफी लोग ये पूछ रहे थे कि इसमें आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग कैसे होगा, इंटर्नशिप कैसे होगा और ये सब चीजें कैसे होगा। देखो इसमें जो कोर्स आपका होने वाला है पूरा एक साल का होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि चार ट्रिमेस्टर में डिवाइडेड होगा और हर ट्रिमेस्टर के बाद आपका एक असेसमेंट टेस्ट होगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं एट द एंड ऑफ ईच ट्रिमेस्टर, मतलब हर तीन महीने के बाद आपका एग्जाम होगा, उसको आपको क्वालिफाई करना होगा। असेसमेंट का मतलब वही होता है, ठीक है, एग्जाम होगा या फिर प्रेजेंटेशन होगा, जो भी कुछ होगा आपको पास करना होगा। आउट ऑफ टोटल फोर ट्रिमेस्टर, मतलब पूरी चार तिमाही में से फर्स्ट थ्री ट्रिमेस्टर, मतलब पहले के 9 मंथ विल बी ऑन कैंपस, मतलब पूरे के पूरे 9 मंथ का आपका कैंपस ही रहेगा, काफी मौज करने को आपको मिलेगा। पूरा का पूरा कैंपस 9 मंथ तक आपका पूरा खर्चा उठाएगा, आप सोच लो। पूरे 9 मंथ तक आपको कैंपस पे ही रहना पड़ेगा, आपको जो भी असेसमेंट होता है वहां पे आपको क्वालिफाई करना होगा, और जो आपका लास्ट ट्रिमेस्टर होगा मतलब लास्ट के 3 महीने होगा, वो आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा बैंक के खुद के ब्रांच में या ऑफिस में, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा, 9 मंथ आपका क्लासरूम ट्रेनिंग होगा, आपको वहीं पे रहना पड़ेगा, कोर्स करना पड़ेगा, और जो आपका लास्ट के 3 महीने होंगे उसमें आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा। तो इस 9 मंथ में आपको देख सकते हैं पूरे का पूरा 9 मंथ में पहले 3 ट्रिमेस्टर मतलब पूरे 9 मंथ में आपको ₹2500 स्टाइपेंड भी मिलेगा, ठीक है। बाकी रहना खाना सब कुछ जो है वहां पे इंक्लूडेड रहेगा कोर्स के फी में। फिर लास्ट के 3 महीने में आपको ₹15,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी, और जैसे ही आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हो ये प्रोग्राम तो आपको जो है ₹36,000 पर मंथ बेसिक पे वाली सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, जो भी करंट में पीओ को मिल रही है, उससे ज्यादा भी आपको सैलरी मिल सकती है, 60-65 तक आपकी सैलरी यहाँ पे हो सकती है। सारे अलाउंसेस HRA वगैरह सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे अलाउंसेस आपको बाद में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका एग्जाम IBPS लेने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा पूरा IBPS पैटर्न पे है, ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन सेम IBPS का है, ठीक है, तो आपको IBPS का ही अपलोड करना होगा। अब एक और चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैंक में कंडक्ट सेपरेट रिटर्न ऑनलाइन टेस्ट प्रायर टू कंफर्मेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफिसर। रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन करने के लिए आपको जैसा प्रोग्राम कंप्लीट होगा तो उसके बाद एक टेस्ट ले सकते हैं सेपरेट टेस्ट, ठीक है, तो उसको आपको क्वालिफाई करना होगा, ओके, तभी आपका रेगुलर हो पाएगा। ये थोड़ा सा जो है टेंशन लेने वाली बात है, लेकिन यहाँ पे उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप इतना एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो ये भी टेस्ट आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है, ये डराने के लिए है, आपको डरना नहीं है। अगला जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट सिलेक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब जैसा ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता है, ठीक है, तो आप रेगुलर बेसिस पे जब सिलेक्शन लोगे तो आपको ₹1,00,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। वो इसलिए है कि काफी लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, तो इसलिए ₹1,00,000 आपको डिपॉजिट करना ही होगा, तब आपका रेगुलर मतलब आप परमानेंट यहाँ पे होंगे, ठीक है। और ये जो ₹1,00,000 है 3 ईयर के अंदर आपको रिफंड कर दी जाएंगे, ठीक है, तो ये डराने के लिए थोड़ा सा, तो आप काफी लोग इसको देख के ही जो है सोच में लग जाएंगे कि अगर क्वालिफाई नहीं हुआ, पहले निगेटिव सोच लेते भाई तुम लोग एग्जाम क्वालिफाई करके गए हो वहाँ पे, इतना तो अपने आपको कम मत समझो कि क्वालिफाई नहीं कर सकते, कोई एग्जाम क्वालिफाई सब कर सकते, पढ़ाई करोगे तो सब कुछ होता है वहाँ पे, ठीक है। तो 9 मंथ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, कॉलेज लाइफ जीने को मिलेगा, तो आप पढ़ाई करो ढंग से, पास कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है तो ये तो आप डेफिनेटली पास कर सकते हो। तो ये उनके लिए है जिनको डर लगता है ये सब चीजों से, वे उनके लिए। तो ये सारे डाउट्स थे, आई होप आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। और भी कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करना। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, आप दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।